महिलाओं में कमर दर्द बेहद ही आम समस्या है। इसके कारण महिलाएं रोजमर्रा के कामकाज भी नहीं कर पाती हैं। कई बार तो कमर दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से बिस्तर से भी नहीं उठा जाता है। महिलाओं में कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। पहला, हार्मोनल असंतुलन के कारण कैल्शियम की कमी होना। दूसरा, हड्डियों और जोड़ों में नमी की कमी। और तीसरा, रोजमर्रा के काम और आराम की कमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, महिलाओं को कमर दर्द चाहे किसी भी कारण हो, इससे उनकी शारीरिक क्षमता और कामकाज प्रभावित होता है। इस दर्द के कारण महिला की मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है और वो दर्द के मारे बेहाल होकर चिड़चिड़ी हो जाती है। अगर समय रहते इस कमर दर्द का इलाज ना किया जाए तो ये और भी हार्मफुल हो सकता है और सीवियर भी बन सकता है, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसलिए महिलाओं में कमर दर्द के लिए हम कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमर दर्द क्या है। रीढ़ का निचला हिस्सा हमारे शरीर का ज्यादातर वजन उठाता है। जब हम झुकते हैं, मुड़ते हैं या फिर कोई भारी चीज उठाते हैं तो सारा भार रीढ़ के निचले हिस्से पर आ जाता है। जब हम एक स्थान पर ज्यादा समय तक बैठते हैं तब भी भार उसी स्थान पर पड़ता है। इन सब कारणों से हमारी रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियां, टिश्यू और लिगामेंट्स पर बार बार दबाव पड़ता है। इस तरह की इंजरी को स्ट्रेस इंजरी कहते हैं। इससे बचने के लिए लगातार एक ही पोजीशन में एक जगह पर बैठकर काम करना बंद कर दें और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें। अपने पॉस्चर को बदलते रहें ताकि मांसपेशियों में अकड़न ना आ पाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें इसके कारण पता होने चाहिए। तो महिलाओं में कमर दर्द के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि ओवर स्ट्रेचिंग, प्रेगनेंसी की वजह से मांसपेशी में ऐठन होने पर, स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, बेड पोस्चर की वजह से, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, लिकोरिया, डिसमेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, आपका बिस्तर बहुत ज़्यादा नर्म है या फिर बहुत ज़्यादा सख्त है उसकी वजह से भी आपका कमर दर्द हो सकता है, पैंक्रियाटिस, अल्सर या किडनी इन्फेक्शन होना, मोटापा होना, PCOD या PCOS की समस्या होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, शरीर में कैल्शियम की कमी से भी कमर दर्द हो सकता है या फिर डिस्क में गड़बड़ी के कारण भी कमर दर्द हो सकता है। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हमेशा सही पोस्चर में बैठें, लंबे समय तक लेटने से बचें, हेल्दी डाइट चार्ट को फॉलो करें, विटामिन डी से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और जूस पिएं, हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें, रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम करें, एक जगह लंबे समय तक बैठने से बचें, झटके से उठने, बैठने या फिर सोने से बचें ताकि कमर पर अचानक प्रेशर ना पड़े, रोजाना कम से कम 10 से 20 मिनट पैदल चलें, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, धूम्रपान ना करें और मानसिक तनाव को कम करें। अब अगर हम इसके लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि अदरक से आप कमर दर्द का इलाज कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच लौंग के पाउडर और 1 चम्मच अदरक का पाउडर मिलाकर हर्बल टी बनाएं। स्वाद के साथ ही दर्द से भी राहत मिलती है। दरअसल अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो हमें दर्द से राहत पहुंचाते हैं। इस उपाय से महिलाओं के कमर दर्द का इलाज हो सकता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है तुलसी। कमर दर्द का इलाज करने के लिए 1 कप पानी में 8 से 10 तुलसी की पत्तियां डालकर तब तक उबालें जब तक ये आधा ना हो जाए। इसके ठंडा होने के बाद इसमें 1 चुटकी नमक डालकर रोजाना पिएं। इससे कमर दर्द में लंबे समय के लिए आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, हमारा तीसरा उपाय है लहसुन। कमर दर्द का इलाज करने के लिए रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 3 से 4 कलियों का सेवन करना शुरू कर दें। इससे सिर्फ कमर को ही नहीं बल्कि शरीर के और भी कई सारे पार्ट्स को भी फायदा होगा। लहसुन का तेल से मसाज करके भी इस दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय है सेंधा नमक। सेंधा नमक में पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इसे एक कपड़े में डालकर निचोड़ दें जिससे बचा हुआ पानी भी बाहर निकल जाए। अब इस पेस्ट को अपनी कमर में लगा लें। सेंधा नमक दर्द को कम करता है और इन्फ्लेमेशन में राहत प्रदान करता है। दोस्तों, अगला उपाय है कैमोमाइल टी।
एक चम्मच कैमोमाइल को एक कप पानी में 10 मिनट के लिए उबालें। अब इसे छान कर पी लें। रोज इस चाय को 2 बार पिएं। ये इतनी असरदार होती है कि 1 कप हॉट कैमोमाइल आपकी मांसपेशियों की ऐंठन को ठीक करने के लिए काफी होती है। दोस्तों, हमारा अगला उपाय है बर्फ की सिकाई। बर्फ की ठंडी तासीर दर्द और सूजन को कम करने में उपयोगी साबित होती है। बर्फ को कूटकर एक कपड़े में बांध लें और इसे दर्द वाली जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। ऐसा इसे हर 2 घंटे में दोहराएं। आपको जल्द ही दर्द से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला उपाय है हर्बल ऑयल, यानी कि हर्बल ऑयल से मसाज करना। ये बहुत ही पुराना उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर है। हर्बल ऑयल से कमर की मालिश करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द भी कम होता है। आप कोई भी हर्बल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नीलगिरी का तेल, बादाम का तेल या फिर जैतून का तेल। आप नारियल तेल भी ले सकते हैं। पहले तेल को थोड़ा गर्म कर लें और फिर धीरे धीरे दर्द वाली जगह पर मालिश करें। दोस्तों, मालिश करने के लिए सरसों का तेल भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, घरेलू उपायों के बाद अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की, जिससे आप अपनी कमर दर्द का इलाज कर सकते हैं। उन दवाओं का नाम है सिंहनाथ गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, त्रियोदशांग गुग्गुल, बालरिष्ट और दशमूलक चाय। दोस्तों, अगर आप कोई भी दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो आप कमर दर्द का इलाज योग के द्वारा भी कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए आप मार्जरासन, बालासन, शलभासन, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन और मरकटासन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।